मेरठ से खबर है जहां 6 और मरीजों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। मेरठ में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन में कुल 15 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सबसे पहले यहां ब्रिटेन से लौटी 2 साल की बच्ची में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई थी। इसके परिवार के और लोगों में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। मेरठ के CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया है कि बलवंत नगर के ही 6 और लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। जो हमने 10 सैंपल 1 तारीख को दिल्ली जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे थे, उसमें से 4 सैंपल्स पहले पॉजिटिव आ चुके हैं। 6 की रिपोर्ट अवेटेड थी जो कि पॉजिटिव अब आ गई है, लेकिन हमने पहले ही इसको पूरा कंट्रोल कर लिया है। जैसे कि हमने 1 तारीख में ही जितने भी लोग थे उनको होम हॉस्पिटल के अंदर क्वारंटाइन कर दिया था। तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी कर रखी है, क्वारंटाइन किया गया है जो नए स्ट्रेन से पॉजिटिव मरीज कोरोना के सामने आए हैं। और मेरठ में अब तक ब्रिटेन वाले नए स्ट्रेन से 15 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सबसे पहले एक बच्ची में कोरोना पॉजिटिव नए वाले स्ट्रेन के साथ रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद एहतियातन उस क्षेत्र को सील किया गया था, लेकिन अभी 15 लोग उस नए स्ट्रेन से संक्रमित हो चुके हैं। शोएब रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। शोएब, 15 लोग नए वाले स्ट्रेन से पॉजिटिव हो गए हैं ब्रिटेन वाले से, और चूंकि मेरठ में ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो इसके लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? बिल्कुल, देखिए जो ये मामले हैं, 6 और की पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। खुद CMO अखिलेश मोहन ने इस बात की पुष्टि की, इससे पहले 9 चूंकि मामले सामने आ चुके थे और ये शुरुआत हुई थी एक बच्ची, जो 2 साल की बच्ची थी, उससे, फिर उसके माँ बाप, भाई, फूफा और जो उसके इर्द गिर्द न्यू ईयर के वक्त एक पार्टी बताया जा रहा हुई थी, तो उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उन्हीं में ये जो लक्षण हैं वो पाए गए हैं। एक बड़ी बात विवेक इसमें ये है कि पहले से ही, क्योंकि डॉक्टर्स को ये शक था कि जब वो बच्ची पॉजिटिव आई थी तो जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे उनको सबको आइसोलेट एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर दिया गया था। तो इसलिए अखिलेश मोहन जो CMO है उनका ये कहना है कि घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि बलवंत जो इनक्लेव है उसको पहले से ही आइसोलेट या क्वारंटाइन वहां पर लोगों को किया गया है। तो ये जो लोग पॉजिटिव और ज्यादा जिनमें जो नया स्ट्रेन है वो पाया गया है वो पहले से ही क्वारंटाइन है, उन पर पहले से ही निगरानी रखी जा रही है। कुल मिलाकर दिल्ली क्योंकि 10 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नमूने भेजे गए थे, उनमें से 4 पहले पॉजिटिव आए थे, 6 अब पॉजिटिव आ गए हैं और पहले की बात करें तो 5 पहले से ही पॉजिटिव थे। तो कुल मिलाकर 15 तक ये तादाद पहुंच गई है। अब उम्मीद ये की जा रही है, चूंकि आज ही ये उम्मीद है कि यहाँ भी जो वैक्सीन है वो पहुंच जाएगी और 16 से टीकाकरण की जो शुरुआत है वो होनी है, इसलिए जो डॉक्टर्स है वो इन तमाम लोगों पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन चिंता की बात है कि मेरठ की अगर बात करें शहर की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो केस, क्योंकि दूसरी जगहों पर इस तरह के जो मामले हैं नए जो कोरोना स्ट्रेन है उनके नहीं मिलते जल्दी से देखने को। बिल्कुल, मेरठ में मामले बढ़ा है। शुक्रिया आपका शुएब, जानकारी के लिए शुक्रिया। तो नए मरीज सामने आए हैं 6 और कुल 15 मरीज कोरोना के नए स्ट्रेन वाले पॉजिटिव मिल चुके हैं।